जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपने मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से पारसनाथ सिंह आरोग्य सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित किया गया था, और जिसमें हमारे आरएसएस के प्रमुख सूबेदार जी, राष्ट्रवाद सांसद गोपाल नारायण सिंह जी, जो तत्काल शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक मेडिकल कॉलेज भी है, शैलेंद्रानंद जी और अरुण बाबू, अवधेश बाबू बीआईटी के जो एमडी हुए, ये सारे लोग आए थे। और इनके द्वारा हिंदुत्व के एजेंडा पर कि हमारे देश में हिंदुत्व का कैसे ह्रास हो रहा है, इसका कैसे करके इसको उत्थान हो, विघटन से रोका जाए, उस पर प्रकाश डाला। और दूसरा एक लॉजिक था कि भाई, इस क्षेत्र के जितने भी सामाजिक लोग, वैसे सामाजिक लोग जो बहुत पहले समाज को, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, और वैसे बुजुर्ग लोगों को इस संस्थान के द्वारा याद किया गया, क्योंकि दायित्व बनता है कि जो लोग पहले समाज के लिए कुछ किए हैं तो समाज उनके लिए भी कुछ करे, तो ये लॉजिक था। और तीसरा जो कार्यक्रम था, जो गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया, जो करीब 1000 कंबल का वितरण किया गया है, जो पूरे प्रखंड से आए हुए लोगों के द्वारा किया गया था, और इसमें जितने भी प्रखंड के जनप्रतिनिधि थे, जिला परिषद थे, मुखिया थे, आपके सरपंच थे, पंचायत समिति सदस्य थे, ये सभी लोग आए और एक सफल कार्यक्रम हुआ। देश में जो उसकी आत्मा है वह है संस्कृति। राम राष्ट्र है और सीता उसकी संस्कृति है। सकों ने, हूनों ने, डचों ने, पुर्तगालियों ने, मंगोलों ने, मुगलों ने, और अंत में अंग्रेजों ने, क्रिश्चियनों ने आकर इस पवित्र भारत की संस्कृति को नष्ट करने का एक से एक बड़े उपाय किए। परंतु इसकी जीवनी शक्ति इतनी बड़ी है और अमर है कि तब भी यह संस्कृति पूर्ण रूप में नष्ट नहीं हुई। आज़ादी के बाद प्रजातंत्र तो आया है, विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत में, परंतु राजनेताओं को इस पर विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिली कि कोई भी राजनीति अगर नैतिकता से रहित हो जाती है तो राजनीति नहीं रहती, और जहां राजनीति नहीं होगी वहां का राज अराजक हो जाएगा। मृतम राज्यम अराजक, वह राज, वह राष्ट्र या वो देश मृत प्राय हो जाता है। तो आज़ादी के बाद नैतिकता की कोई पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि यहाँ की शिक्षा नीति मैकाले की शिक्षा नीति, वैदिक शिक्षा नीति में हम नैतिकता का पाठ पढ़ते थे। माँ के साथ कैसे रहना चाहिए, पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, भाई भाई में क्या कर्तव्य होता है, बहन भाई में क्या कर्तव्य होता है, समाज के प्रति व्यक्ति का दायित्व तो क्या होता है, समाज की सारी स्त्रियां माता के समान हैं, इसकी पढ़ाई वेद करते थे या वैदिक शिक्षा नीति करते थे। जब पश्चिम की संस्कृति हमारे यहाँ आ गई तो इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं जो आप देख रहे हैं, शील हरण हो रहा है, लघु राष्ट्रवाद का नाद आ रहा है, भारत तोड़ों का षड्यंत्र हो रहा है। ऐसे में वैदिक शिक्षा की परम आवश्यकता है, और इस क्रम में हम संत भी विचार कर रहे हैं, राजनयिक भी विचार कर रहे हैं, और इसके लिए जो संघर्ष होना चाहिए वो संघर्ष जारी हो चुका है। क्योंकि जिस देश में राम राष्ट्र नहीं होगा तो राष्ट्रवाद वहाँ नहीं होगा। क्योंकि मंदिर की फिर बात आती है, हमारी मंदिर बननी चाहिए अयोध्या में, क्या ये कितना सच्चाई हो सकता है? बिल्कुल बनना चाहिए, इसलिए कि अगर राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा तो जापान में तो बनेगा नहीं, कोई सीरिया और मंचूरिया में तो बनेगा नहीं। राम इसलिए कि भारत का राष्ट्र है, तो उनका मंदिर प्रेरणा के लिए, मंदिर की भूमिका यही है श्रीमान, कि उससे हम प्रेरित होते हैं। अगर हमें कुछ दुष्ट विचार भी आते हैं, हमें कुविचार आते हैं, तो मंदिर को देखकर एक श्रद्धा जो युगों से स्थापित की गई है वो श्रद्धा जागती है, इसलिए मंदिर की तो परम आवश्यकता है।
लेकिन ये तो मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट ना प्रेरणा समझती है मंदिर को, समझ रही है, अधिप्रेरणा भी समझती तो दे देती अब तक। कोर्ट लेकिन फिर विवाद आ गया है। कोर्ट की बात हम ये करते हैं, कोर्ट सर्वोच्च है, माननीय है, अदालत की बात माननी चाहिए, लेकिन जब तक भारत की जनता जागरूक नहीं होगी, अब भारत की जनता के साथ साथ जो हमारे प्रमाण हैं वो कानून में नहीं आते, तब तक कोर्ट हमारे लिए कुछ करने नहीं जा रहा है, वो समय केवल बढ़ाते जा रहा है। कारण इसका है, कारण यह है कि भारत में भारतीयता का बड़ा अभाव है, भारत में भारतीयता का अभाव। भारत के राजनेता ये विचार करते हैं कि हमारा वोट कैसे आए, भारत कैसे बचे, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ समाज में विषमता फैली हुई है। जो राष्ट्र के लिए जी मर रहा है उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा, भारत का सैनिक दुखी है, भारत में एकता नहीं है, जबकि जनतंत्र एकता का विषय है, जनतंत्र के लिए एकता की जरूरत है, एक विचार की जरूरत है, और वो विचार राष्ट्र का होना चाहिए। राष्ट्र पहले होगा तभी आप होंगे, तभी हम होंगे, परंतु आज़ादी के 70 साल में राष्ट्र पर विचार ही नहीं किया गया, आदमी व्यक्ति पर विचार किया, और जब व्यक्तिवाद बढ़ेगा तो राष्ट्र का खात्मा होगा, राष्ट्रवाद बचेगा तो व्यक्ति भी बचेगा और राष्ट्र भी बचेगा, और राष्ट्र की रक्षा धर्म से होगी। धर्म का जो हम लोगों ने अर्थ किया है वो बहुत गलत हुआ है, धर्म का अर्थ पूजा पद्धति नहीं है, धर्म का अर्थ है मानवता की स्थापना, मानव के हित में जो किया जाए वो धर्म है, मानव के हित के विरुद्ध जो किया जाए वो अधर्म है, इसका पाठ पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू है, व्यक्तिवाद को यहाँ बढ़ावा दे दिया जा रहा है, क्योंकि बढ़ावा राष्ट्र का होना चाहिए, राष्ट्र होगा तो हम होंगे आप होंगे, राष्ट्र नहीं होगा तो ना आप होंगे ना हम होंगे। गुलामी के दिनों में देख लें क्या क्या होगा, जब मंदिर वहाँ नहीं बनेगी, सरकार वहाँ भी इनकी और पूरे देश में नहीं, एक सरकार क्या है, सरकार तो मंदिर बनाने के पक्ष में है या नहीं हम इस मंशा पर विचार नहीं करते, लेकिन जब भारत की जनता पूर्ण रूपेण जागरूक होगी तो किसी को भी, न्यायालय को या सरकार को, दोनों को झुकना पड़ेगा और वहाँ मंदिर बनेगा। तो ये तो बरसों की बात है ना, जनता जैसे थी वैसे जनता भी है, न्यायालय है, प्रयास कमी कहाँ आपको खलती है, पूरे का पूरा प्रचार नहीं हो रहा है, व्यक्तिवाद के बढ़ते क्रम में राष्ट्रवाद का जो ह्रास हुआ है ये मुख्य कारण है। हम राष्ट्रवादी विचार के हो जाएंगे तो राष्ट्र के विषय में सोचेंगे, अभी तो हम सोचते हैं ब्राह्मण के विषय में, क्षत्रिय के विषय में, हरिजन के विषय में, वर्जन के, पिछड़े अति पिछड़े के विषय में, जिस समय हम सोचना शुरू करेंगे कि भारत एक है और हम सब एक हैं, उसी क्षण एकता होगी और एक आवाज़ निकलेगी, जब एक आवाज़ निकलेगी तो किसी को ही झुकना पड़ेगा, हमारी आवाज़ विभिन्न है, विभिन्न आवाज़ के कारण कोई मुझे सुनने को तैयार नहीं, वो देख रहा है मेरा काम तो चल ही जा रहा है, मेरा काम चल जा रहा है, हम वोट ले ही ले रहे हैं, और ये तोड़ने वाली नीति अंग्रेजों की नीति थी और अंग्रेजों के पैटर्न पर अभी लोग चल रहे हैं, चलना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इतिहास देखने से पता चलता है कि जिनको हम आज अति पिछड़ा और पिछड़ा कह रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए कि धर्म और जो नेता है वो दोनों का मंशा क्या है? नहीं, धर्म की तो मंशा है लेकिन धर्म का पूरा ह्रास हो चुका है, धर्म को विकसित करने की जरूरत है। ये 20 लाख साधु भारत में जो हैं ये मठों में बंद हैं, इनको बाहर आना चाहिए और अपने धर्म के विषय में बताना चाहिए। और नेताओं का मंशा क्या है? नेताओं का तो मंशा राज सत्ता है और राज सत्ता की लोलुपता है, इसमें बिरले अपवाद तो सब कुछ में होते हैं, लेकिन उदाहरण ऐसा नहीं मिल रहा है। ये अपने राज के लिए ये भी कह देंगे कि राम का अस्तित्व नहीं था, या कहा ही गया है पूर्व के दिनों में, संसद में ये बात बोली गई, राम का अस्तित्व नहीं है, तो फिर आखिर अस्तित्व किसका है इस देश में? नासा कह रहा है कि पुल का अस्तित्व है रामेश्वर में, जो हमारा राम सेतु है उसका अस्तित्व है, लेकिन हमारे नेता कहते हैं उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये नेता तो सत्ता लोलुप हैं केवल, ये राष्ट्र के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ स्वयं के लिए सोच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का धन विदेशों में कैसे जाता? भारत की पूंजी यहाँ रखकर विकसित होती तो बेरोजगारी नहीं होती, जनता में विषमता नहीं होती, जनता आपस में एक दूसरे से प्रेम करती। इसलिए जरूरत है कि हम केवल भारतीय हैं, हम केवल हिंदू हैं, धर्म से, संप्रदाय से, पूजा पद्धति से आप कुछ हों, आप मस्जिद में नमाज पढ़ें लेकिन हिंदू हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते हैं,
आप चर्च में जाते हैं, आपकी पूजा पद्धति है, लेकिन आप भारतीय हैं, क्योंकि भारत में रहते हैं, भारत आपका घर है। कोई आप संदेश देना चाहेंगे देश के लिए? मैं देश के लिए एक ही संदेश दे रहा हूं, और विगत 40 वर्षों से दे रहा हूं कि एकता ही संबल है, एकता ही शक्ति है, तुम एक हो। अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति पाति भोजन वस्त्र अपने स्वतंत्रता में रखो, परंतु राष्ट्र के मामले में एक हो। वो फुल पैंट पहनने वाला और गेरुआ पहनने वाला, ये दोनों ही राष्ट्र के विषय में एक हो, बस यही। और फिर सफेद कुर्ता धारी वाला क्यों नहीं बोले? हाँ ठीक है, उसमें सारे के सारे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो वस्त्र आप धारण करते हैं, जो भोजन आप करते हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि मन से, मस्तिष्क से और हृदय से आप भारत के हों और एक होकर चले, ताकि भारत राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो और एक बार भारत फिर विश्व के स्तर पर अपनी शक्ति, अपना विचार रखे और इसकी मान्यता हो। ये रत्न बुजुर्ग पुरुष एवं महिलाएं से ओतप्रोत श्री पारसनाथ जी सचमुच ही पारस हैं। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो। भुला के कम सारे दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, अपनों के लिए जियो। अक्सर विशेषज्ञ हैं, धर्म का मतलब पूजा पाठ से समझते हैं, यह भ्रामक विचार है। धर्म का अर्थ होता है धारण, जिस ये पानी का धर्म है बहना, अग्नि का धर्म है प्रकाश और ऊष्मा देना। धर्म इंसान को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाता है, पर ही सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। प्रतिस्पर्धा में न जीना, धर्म न दूजा सत्य समाना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन या बौद्ध आदि धर्म नहीं है, यह संप्रदाय है, यह समूह का भाग है, मानव धर्म सर्वोपरि है। धर्म तो सबका एक है, क्योंकि धर्म सर्वकालिक एवं सर्वभौमिक है। धर्म और विज्ञान संपूरक है, जबकि धर्म उसे दिशा प्रदान करता है। धर्म के पास दिशा है पर गति नहीं। जीवन में गति न हो तो जड़ता आ जाएगी, और दिशा के अभाव में गतिशील जीवन संकट में पड़ जाएगा। विज्ञान का संतुलित समन्वय किरदार होना चाहिए, आदमी को साह दे करे इशार होना चाहिए। पहले हम हैं आदमी, फिर हिंदू मुस्लिम और कुछ। आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। कुदरत हमें हर रोज 1440 मिनट बरसती है, आप इसका इस्तेमाल जीवन को तीर्थ बनाने में करें अथवा तमाशा बनाने में, यह आप पर निर्भर करता है। हिंदुत्व से वाकिफ हैं हम, जिस धर्म में जीते हैं वो हिंदुत्व धर्म है, सनातन धर्म है हिंदुओं का। जैसे माँ बाप से छूने के बाद इंसान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, किसका नाम, किसका काम, कहाँ से आए, कहाँ गए। हम इस धरती पर आते हैं तो अपने माँ बाप पूर्वजों से पहचाने जाते हैं, और हमारे माँ बाप हमारे किस धर्म से हैं उसी धर्म को हम ओढ़ लेते हैं और जीवन पर्यंत चलते रहते हैं लेकर। लेकिन कभी कभी संकट में हमारा धर्म भी पीछे आया है। जब जब हिंदुत्व घटा इस देश में, तब तक ये धरती बटी, तो फिर एक संकट इस हिंदुत्व पर आने वाला है, आया हुआ है, जिसको हमको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये सनातन का क्षेत्र हुआ करता था, जिसे हम हिंदू भी कहते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना उस समय थी, इस तमाम क्षेत्रों में कालांतर में जहां जहां से हिंदू घटते गए, देश बढ़ता गया,
राष्ट्र देश में बढ़ता गया और राष्ट्र की भावना छोटी होती गई। हम जो अलग बटे हुए हैं जात पात से, कोई अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय मैं शूद्र, इन लोगों ने शिक्षा दिया कि हम कोई नहीं है, ये हमारे अंग है और सब हम एक हैं। हमें कोई अगर बांट के कमजोर करता है तो उस पर सचेत रहने की जरूरत है। ये जो अपना समाज है, कहते हैं कि ये जो हिंदू समाज है ये है किसी बांग्लोमे में नहीं मिलता है। हम वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, निघंटु पढ़ते हैं, तो किसी में हिंदू शब्द का वर्णन नहीं मिलता है। फिर हम हिंदू कैसे? अब कुछ लोग तर्क देता है कि सिंधु से हिंदू हो गया, लेकिन चूंकि सारा विश्व हमें हिंदू के नाते जानता है और विष्णु पुराण में हिंदू शब्द का वर्णन है, हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत रहने वाले लोग हिंदू, ऐसा विष्णु पुराण में इसका उल्लेख है। हमारे यहां स्वतंत्रता है, केवल हिंदू धर्म ऐसा है इसमें स्वतंत्रता है। आस्तिक है तब भी हिंदू, नास्तिक है तब भी हिंदू, रामायण को मानता है तब भी हिंदू, नहीं मानता है तब भी हिंदू, ये कहां स्वतंत्रता है? ये केवल हिंदुत्व के अंदर स्वतंत्रता है, ये केवल भारत के अंदर स्वतंत्रता है, दुनिया में कहीं ये स्वतंत्रता नहीं है। इतना नहीं, हमने तो जल को निमित्त माना, प्रत्येक जल को नदी को हमने गंगा स्वीकार किया, इसलिए केवल जीव जंतु नहीं तो हमने पशु पक्षी पेड़ पौधे की भी चिंता किया। हमारे ऋषियों ने कहा कि ये पीपल का पेड़ काटना वर्जित है, क्यों? क्योंकि पीपल हमें जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए पीपल कोई हिंदू पीपल नहीं काट सकता है, काटना होगा कोई विधर्मी काटेगा। तुलसी का पौधा कहाँ रखना? तो तुलसी का जो पौधा है घर के आंगन में रखना। वो बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या खाना क्या नहीं खाना, खाना क्या नहीं खाना, तो हमारे यहां जो अपने व्याकरण है, जो खान पान है, वो कैसे तय किया? लेकिन जो जानवर मुख से पानी लेता है, यानी मोक्ष से पानी लेता है, गाय है, भैंस है, ये मनुष्य है, ये सब जो है मुंह से पानी पीता है, ये शाकाहारी जानवर है। इसलिए हमारे यहां हम खाते होंगे, मांस खाते होंगे, लेकिन हमको लगता होगा नहीं, इस चौके में कोई मांस जल्दी बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता है? हमारी वैदिक परंपरा है, हमारी ऋषि परंपरा है, हमारी वैज्ञानिक परंपरा है कि ये खाना नहीं चाहे, गलत करके श्राप थोड़ी कहते हैं, सब पिएंगे बच्चे को नहीं पीने देंगे। अपने यहाँ कैसा है हमारा, हमारी जो संस्कृत है यानी जो अपनी भाषा है वो कैसी है? वो बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है। हम बोलते हैं तो कैसी आवाज आती है? हम बोलते हैं अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ अं आ, वो कहां से आवाज निकलती है? हमारे इस गले से आवाज निकलती है। फिर हम कहते हैं का खा गा भा अंगा, कहां से आया? उसके ऊपर थोड़ा क्या, यानी जवान बुद्धि बाहर आवाज आता है। ये कैसी वर्णमाला है, ये कैसा व्याकरण है, ये वास्तव में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और बढ़िया व्याकरण है। लेकिन सारी भाषाएं अवैज्ञानिक भाषाएं हैं, केवल जो ये देवनागरी लिपि है यही जो है वैज्ञानिक भाषा। 96 करोड़ वर्ष पूर्व और आज तक हमारे ऋषियों के साधना का परिणाम है कि हमने हम हमलावर नहीं हुए। हमने बौद्ध काल आया तो बौद्ध काल में हमारे वेद उपनिषद पुराण ब्राह्मण सब इन्होंने नष्ट कर दिए। ये विक्रमादित्य की बनाई गई है, कहां चली गई? कोई बौद्धों ने अशोक सम्राट अशोक के काल ने सारे अयोध्या मथुरा माला काशी कांची अवंतिका सब ध्वस्त कर दिया, पंथियों को बैठा दिया। उन वामपंथियों ने विक्रमादित्य को, पुष्यमित्र शुंग को, महाराणा प्रताप को, बप्पा रावल को, इन सब को निकाल बाहर किया। हम किसका इतिहास पढ़ रहे हैं?
हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो क्या पढ़ रहे हैं? महान कौन, किसके कितने लोगों के घरों में मानसिक उसका अकबर का चित्र है। वो सीता इसे कहते हैं कि हे सीते, मैंने तुमसे पहले किसी और लड़की को भर आंख नहीं देखा। जो विभीषण का जब समुद्र से जल लेकर उनका राजा अभिषेक करते हैं, कहते हैं तुम लंकापति बनोगे, लेकिन वहां की जो पटमहिषी होगी वो मंदोदरी ही होगी, जिनका महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है राम के पास। और राम कहते हैं कि हे पिताश्री, वरदान मांगा था उस राम के ऊपर, ऐसा आरोप लगाया कि सीता जी को, गर्भवती सीता को जंगल निकाल दिया। क्या राम ऐसा कर सकते हैं क्या? ये हिंदू समाज को तर्क पूर्ण सोचने की आवश्यकता है। क्या तुलसीदास के राम से मानस प्रेम दिखा है क्या? वाल्मीकि रामायण में प्रेम दिखा है क्या? तो वाल्मीकि के उत्तर कांड में अगस्त के मुंह से छेपक करवाया गया है। कोई संस्कृत के बड़े विद्वान हो तो भारत की संस्कृति जो भाषा है तीन प्रकार की है। एक वैदिक संस्कृति है जो वेद उपनिषद और ब्रह्म संस्कृति, जो कोई लाखों वर्ष पुराना जो भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा वो है, तो वो वैदिक संस्कृति में और वाल्मीकि की संस्कृति में अंतर है। और फिर आज की जो लौकिक संस्कृति है इसमें और वाल्मीकि में बहुत अंतर है। कोई संस्कृत का विद्वान ठीक से बैठेगा वो ध्यान जातक कथाओं में आया कि यदि राम बड़े रहेंगे, राम महापुरुष रहेंगे, तो बुद्ध कैसे बड़े हो पाएंगे। इसे राम को नीचा दिखाने के लिए बौद्धों ने अपने जातक कथाओं में किया और वामपंथियों ने इसका प्रचार किया। देश का नुकसान कैसे है? आज तो है ये कोई इरफान हबीब होगा, कोई निर्मला थापर होगी, उन्होंने पांचवी की कक्षा में बताया कि यार लोग जो है अपने अतिथियों को खुश करने। इसे हम सारे लोगों को ये हिंदू क्या वर्ष पुराने ऋषियों की तपस्या के पश्चात हमने एक है मानवता का जीवन सारे लोग स्वर्ण करे। विवेकानंद जोड़ेकर में बोले आखिर रोहिंग्या जब चला ब्रह्मदेश से उस रास्ते से 8 किलोमीटर पड़ता है चीन, और रोहिंग्या चीन क्यों नहीं गया भाई? इस भारत के विशाल धर्मशाला में क्या मारा हो, क्योंकि उसको बसाने के लिए यहां मकतब है, बदरसा है और सेकुलरिस्ट वोट बैंक के ठेकेदार है। इन सेकुलरिस्टों ने आप देखिए उनके 4 केंद्र है इस पटना के लिए, बिहार के अंदर पटना है, गया है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है। आप जानते हैं यहां ठेले पर सब्जी नहीं बेची जा रही थी, घूम करके लोग बैठ कर बेचता था। अब वो मूंगफली बेचने के लिए ठेले पर सब्जी बेचने पूरी बहुत नहीं लगती है। ये मदरसों और मस्तमों के द्वारा ये प्रायोजित बड़ी प्रामिक से रहा हो रहा है, और ये सब बेचने वाले सब रोहिंग्या है, सब रोहिंग्या है। एक बच्चा पैदा करेंगे सेना में भर्ती होगा क्या, साधु बनेगा क्या? ना तो धर्म की रक्षा होगी और ना देश की रक्षा होगी। कम से कम 4-4, 5-5 बच्चे होने चाहिए। एक बच्चा सेना के लिए जाना चाहिए, एक बच्चा धर्म की रक्षा के लिए साधु बनना चाहिए, एक बच्चा कम से कम माता पिता के लिए होना चाहिए, एक आज सिपाही बनने के लिए होना चाहिए। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की। राम की हम भगवान मान के पूजा करते हैं, लेकिन कभी राम क्या है, राम का चरित्र क्या रहा, राम के द्वारा क्या स्थापित किया, कैसे समाज का उन्होंने निर्माण किया, और अपने चरित्र के माध्यम से उन्होंने समाज के प्रति मनुष्य का दायित्व क्या होगा उन्होंने एक्सप्लेन किया। हम उस पर नहीं विचार करते, हिंदू तो ये है, हमारा विचारधारा ये है। हमारे महापुरुषों ने हमको धर्म की व्याख्या किया कि मनुष्य के प्रति हमारा धर्म क्या है, मनुष्य के साथ कैसे रहना चाहिए, भाई का भाई के साथ कर्म क्या है राम ने बताया, पति का पत्नी के साथ संबंध क्या है राम परिवार में आया, बेटा का पुरुष के बाद में बेटा का माँ के साथ संबंध क्या होना चाहिए, बेटा का
पिता के साथ संबंध क्या होना चाहिए और इस सब परिवार के संबंध के बाद समाज के साथ क्या संबंध होना चाहिए, समाज का देश के प्रति क्या संबंध होना चाहिए और देश का पूरे दुनिया के साथ क्या संबंध होना चाहिए, उसके बाद सब मिलके प्रकृति के साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए, ये राम ने अपने परिवार के चरित्र से व्याख्या किया है। अगर अपने को हिंदू करना है तो हमारे में जो कमियां है, अगर समाज की रक्षा करनी है तो अपनी कमियों को दूर किया जाए। एक आदर्श निकला जो मनुष्य को जीवन जीने के लिए आसान तरीका उन्होंने बताया कि सब मेरे चलते भरत हुआ है। बहुत रामायण में जितनी चीजें हैं, एक एक चीजों को अध्ययन अगर हम करते हैं तो अपने चरित्र को ढालने में बड़ा सुविधा होगा और समाज को संवारने में भी हमारा योगदान होगा। राम तुमने मेरे लिए मांगा है, अगर मैं राजभोग करूंगा तो प्रजा हम पर विश्वास नहीं करेगी, एक राजा का मंत्र बता रहे भरत। जब तक समाज के लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारी बात को समाज नहीं मानेगा, इसलिए एक भाई जंगल में गया, इसलिए मैं उससे भी कष्टमय जीवन व्यतीत करूंगा ताकि समाज के लोगों को यह मालूम हो मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है तुम उसको पूरा करो, कौशल्या की सेवा करो। माने चार भाई चार पत्नी माँ तीन माँ एक भी कोई सुखी नहीं रहा, निकला क्या निकला ये राम जैसा कोई पुरुष नहीं हुआ न होगा, सीता जैसी कोई नारी में हुई न होगा, भरत जैसा कोई अर्थशास्त्री समाज शास्त्री कोई हुआ न होगा, लक्ष्मण जैसा सेवक कोई नहीं हुआ हुआ न होगा, हनुमान जैसा कोई भक्त हुआ है न होगा, शत्रुघ्न जैसा संचालक करने वाला कोई हुआ न होगा, है ना। और हम तब दूसरे को जगह नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक वो अपना छोड़ छाड़ के भाग जाए। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना, जिंदगी एक संघर्ष है, जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना, कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। स्वामी जी आए हैं पानी लाने, हमने कहा आपको पानी लाएगा, भला बताओ जो भारतीय नियमों को नहीं मानता है, भारत के नियम वेद हैं और जो वेदों को नहीं मानता है वही नास्तिक। वेद कहता है माँ को माँ समझो, पिता को पिता समझो, राष्ट्र को राष्ट्र समझो, भाई को भाई समझो, समाज को समाज समझो, क्योंकि यही देश की संस्कृति है, यही हिंदुत्व है कि हम भ्रातृत्व भगिनीत्व मातृत्व और पितृत्व की रक्षा करें। उमेश बाबू नवल बाबू सुबोध सिंह जम्मू निहोरी जनार्दन अरुण बाके सिंह दखिनगांव मुसाफिर यादव के बजरंगी सिंह बैनपुर बालकिशन प्रसाद दशरथ महतो बिच्छा
मैयापुर, गोरे पासवान, subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.